सर्वदा संबोधुं जय राजर्मदुःखयोग दादाभिमानं प्रभुपाहियापन नमामि संपूर्णमामि स संपूर्णमामि स संपूर्णरूपाहियापन नमामि स जहां एक तरफ बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर पूरे देश में जद्दोजहद चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कानपुर शहर के टाटमिल पे एक ऐसी जगह है जो आपसी सौहार्द के लिए मिसाल बना हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये एक गेट है जिस गेट को अगर मैं सौहार्द का गेट या आपसी भाईचारे का गेट कहूं तो ये गलत नहीं होगा। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि इस गेट से जब आप अंदर आएंगे तो यहां पर एक मंदिर बना हुआ है। आप सामने देख सकते हैं कि यहां पर हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। यहां पर पूजा पाठ भी होती है, यहां पर अजान भी होती है, यहां पर नमाज भी पढ़ी जाती है और यहां पर घंटे भी बजाए जाते हैं। आपको और आगे लेकर चलूँ इसी प्रांगण में, तो इस मंदिर को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, आप क्रॉस करते ही सामने देखेंगे ये मस्जिद है। ये एक पूरी मस्जिद है, करीब 110 साल पुरानी मस्जिद और ये 110 साल पुराना मंदिर, ये शायद आपसी सौहार्द के लिए पूरे देश को मिसाल के रूप में खड़ा हुआ है। आपको मैं यहाँ पर हमारे साथ में पंडित जी भी हैं जो पुजारी हैं इस मंदिर के, और हमारे साथ मौलाना साहब हैं जो यहाँ पे नमाज पढ़ाते हैं मस्जिद के। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले मौलाना साहब हमारे साथ हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैजान। फैजान जी, कितने साल पुरानी ये मस्जिद है और आप यहाँ पर मंदिर भी है, और आप लोग कैसे दोनों चीज़ें मैनेज करते हैं? आपकी अजान होती है, आप नमाज पढ़ाई जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे पंडित जी जो यहाँ मंदिर बना हुआ वहाँ पे पूजा पाठ भी होती है, कैसे मैनेज होता है सारा? ये मंदिर मस्जिद जो है 110 साल पुरानी है, यहाँ पे जो है हमारे अजान होता है या इनका घंटा बजता है, इससे हमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग जो है प्यार मोहब्बत से रहते हैं और सबको जो है प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जब इनके कार्यक्रम होते हैं, आपकी अजान होती है, अभी हमने देखा कि आप शॉर्ट में बैठ के बैठे हुए थे और आप लोग पूजा पाठ कर रहे थे, वो भी आपके कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप लोग आपस में डिस्कस करते हैं, चीज़ों को निर्णय लेते हैं? देखिए, हम लोग जो है प्यार मोहब्बत रहते हैं, हम लोगों को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इन लोगों को कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है? परेशानी शायद सियासतदानों को है, परेशानी उन लोगों को है जो धर्म के नाम पे बरगला रहे हैं लोगों को। हमारे साथ में पुजारी हैं इस मंदिर के, मैं इनसे भी बात करता हूं और जानता हूं कि पुजारी, आपके क्या नाम है पुजारी जी? हमारा नाम पंडित जगदीश तिवारी है। पंडित जी, यहां पर मस्जिद भी है और आपका मंदिर भी है, ऐसे में कैसे मैनेज होता है दोनों चीज़ें? आप मैनेज हो जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। उनकी अजान शुक्रवार के दिन उनकी अजान होती है, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमारी आरती पूजा पाठ उनकी होती रहती है अपने समय से, उनका भी एक समय होता है तो उनकी पूजा भी अपने समय से होती रहती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पंडित जी, आप जो पूरे देश में राम जन्मभूमि को लेकर और बाबरी मस्जिद को लेकर तरह तरह की बातें और जद्दोजहद चल रही है, एज अ पंडित जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को और उन सियासतदानों को कि जो आज इस मामले को एकदम गर्मा गर्म करते जा रहे हैं? हम तो सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आपस में सब लोग एक हैं, लहू का एक रंग होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबको बड़ा भाईचारा बना करके एक दूसरे से मिल करके सब काम करने चाहिए, एक दूसरे के साथ में रह करके सब काम करना चाहिए, सबके सहमत से सब कार्य होने चाहिए जो उन्होंने हों, सबकी सहमति से सारे कार्य होने चाहिए, ये यहाँ के पुजारी का कहना है। अगर मैं किसी एक शायर का शेर कहना चाहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि आकाश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र तो मंदिर के निगेबान को भी हो। धीरज कुमार, ETV News, कानपुर।